रहे ही गलती तो समझ लो कि गलती आपने करी है। गंगा जल तो बुलवाया टैंकर भरकर। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है कंगाल होने की। ये गलती अगर आपने भी करी है तो जिंदगी में कितना भी पुण्य करोगे उसका फल नहीं है। आज की कथा को लिखकर रखना, शायद तुम्हारी जिंदगी सवर जाए। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है व्यक्ति को बर्बाद होने की। पहली गलती है, उसमें से अगर आप स्वीकार कर रहे हैं ये गलती तो समझ लो कि गलती आपने करी है। गंगा जल तो बुलवाया टैंकर भरकर। 21,000 बेलपत्र भी समर्पित कर रहे हो। आप मंदिर के अंदर बैठ गए, दर्शन करने वाला आता रहा, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया। आप गंगा जल चढ़ाते रहे, आप बेलपत्र चढ़ाते रहे, आप स्वयं पूजन करते रहे और दूसरा व्यक्ति ना जाने किस भाव से, किस रूप में आकर भगवान की सेवा करना चाहता था, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको जल नहीं चढ़ाने दिया, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको बेलपत्र नहीं चढ़ाने दिया। पहली गलती यह हो गई कि भगवान के भक्त को 2 देवताओं ने गलती करी थी। एक ब्रह्मा जी ने गलती करी थी कि गाय बछड़ों का हरण कर लिया था। 1 वर्ष होने में 1 दिन था तब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े वापिस दिए थे। दूसरी गलती इंद्र ने करी थी, जल वृष्टि करी तब भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। दोनों देवताओं ने गलती करी पर भगवान कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया पर ब्रह्मा को क्षमा नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इंद्र को क्षमा इसलिए करा क्योंकि इंद्र ने जब जलवृष्टि करी तो सारे ब्रजवासियों को भगवान के चरणों में लाकर छोड़ दिया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर बैठ गए, भगवान के चरणों में आ गए। और ब्रह्मा ने जो गलती करी वो ऐसी गलती करी कि भगवान से गाय और बछड़ों को दूर कर दिया। जो भगवान से भगत को दूर कर दे उसको शंकर कभी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए बर्बादी का पहला कारण आप भक्त और भगवान में दूरी बना दी। दूसरा कारण, भगवान की जब पूजन कर रहे हो, 21,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, गंगा का जल चढ़ा रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, अभीर चढ़ा रहे हो, गुलाल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये अहंकार, जब तुम पूजन करके उठो तो उठते समय तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने जो अनुष्ठान करा उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। तीसरा कारण कहा कि भगवान की सेवा तो आप कर रहे हो, भगवान की चाकरी में तो आप लगे हो, भगवान की आराधना भी कर रहे हो, दिया भी लगा रहे हो, धूप बत्ती भी लगा रहे हो, स्नान भी करा रहे हो, पंचामृत स्नान भी करा रहे हो, सारी पूजन अर्चना सब तुम कर रहे हो, पर हो सकता है इस पूजन अर्चना में आप केवल 3 घंटा पूजन करते हो और बाकी के समय किसी न किसी की जीवात्मा को दुख पहुंचा रहे हो। एक कथा में एक बात कही थी कि भले मंदिर में दिया मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर धूप बत्ती मत जलाओ, भले मंदिर में जाकर भोग मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर जल मत चढ़ाओ, कुछ मत करो, भले भगवान को नए कपड़े मत पहनाओ, भले तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान को भोग मत लगाओ, पर शास्त्र कहता है कुछ मत करो पर एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर होगा, किसी के चेहरे पर चमक ला देना, प्रसन्नता ला देना तो अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा, किसी गरीबड़े के, किसी दुखी के चेहरे पर अगर तुमने प्रसन्नता ला दी तो वो भगवान को कपड़े पहनाने के बराबर होगा। मालूम पड़े तुम मंदिर में पूरी सब्जी बांटो, मंदिर में भोजन कराओ, मंदिर में सारा पकवान चढ़ाओ और कोई तुम्हारे कारण अगर दुखी है तो तुम्हें वो सुख का भान नहीं हो सकता। तीसरा कारण है हमारा, वो सुख नहीं मिल सकता। चौथा कारण है, महाराज जिस मंत्र को पढ़ा जा रहा है, जिस मंत्र का स्मरण किया जा रहा है, जिस भगवान की माला को हम जप रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, उसमें त्रुटि उठा लीजिए। दुर्गा सप्तशती,
दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद में थोड़ा सा दृष्टांत दिया है, आपको मालूम होगा। एक जजमान सप्तशती का पाठ कराते थे नवरात्रे में। नवरात्रे पूरे होते थे और उनकी पत्नी मर जाती थी। सप्तशती के अंदर लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते थे और पत्नी नवरात्रे के बाद 4 महीना 3 महीने के बाद मर जाती थी। बहुत दुखी था सेठ। एक शादी करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, चौथी पत्नी भी मर गई। बहुत दुख हुआ। आज वो गुरुजी के पास चले गया। गुरुदेव गुरुजी बोले, क्या हो गया सेठ जी, बहुत दिनों के बाद आ रहे हो, क्या बात है गुरुदेव? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि मैं नवरात्रे में सप्तशती का पाठ कराता हूँ, देवी जी का यज्ञ करवाता हूँ, माता रानी को चूनर पहनाता हूँ, उनको सुंदर बिछुड़ी पायल चुनरी सब पहनाता हूँ, कन्याओं का भोजन करवाता हूँ, भंडारा करवाता हूँ, जवारे बोता हूँ, अखंड ज्योत लगाता हूँ, पर नवरात्रि जैसी पूरी होती है उसके 2 महीने 3 महीने बाद मेरी पत्नी क्यों मर जाती है? 4 पत्नियां मेरी मर चुकी हैं, 5वीं मैंने शादी करी है गुरुदेव, आप कृपा करिएगा, कुछ तो बता दीजिए, कुछ करुणा कर दीजिए। गुरुजी बोले, जब तू सब कुछ अच्छा कर रहा है, जोत भी जला रहा है, कन्या भोज भी करा रहा है, चुनरी भी चढ़ा रहा है, भंडारा भी कर रहा है, जोत भी लगा रहा है, जवारे भी बो रहा है, माता रानी की सेवा भी कर रहा है, अखंड रात्रि व्रत कर रहा है, सब कुछ तूने करा, यज्ञ भी करा, फिर तेरी पत्नी क्यों मर सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं गुरुदेव, मेरी 5वीं शादी है गुरुदेव, अब की बार आप कृपा करिए। गुरुजी ने कहा, तेरे पंडित जी को अनुष्ठान पर बुला, मैं कमरे में बैठकर सुनूंगा सप्तशती का पाठ, तब मैं ध्यान करूंगा। गुरुजी अंदर के कमरे में जाकर बैठ गए, ब्राह्मण पाठ करना प्रारंभ करा और ब्राह्मण ने पाठ करना प्रारंभ करा, उसमें एक शब्द आ गया, भार्यंतु बक्षंतु, भार्यंतु बक्षंतु। उसमें बोलना था भय पीड़ा को, हे जगत जननी तू भक्षण कर जा, पर ब्राह्मण बोलता था भार्यंतु बक्षंतु, मेरी दिपत्नी को, मेरी भार्या को तू भक्षण कर दे। पंडित जी जैसे ही बोले, गुरुजी बाहर निकल कर आ गए, पंडित जी को रोका, रुकिए गुरुदेव, आप हर साल अनुष्ठान कर रहे हो जजमान के यहाँ और बोल देते हो भार्यंतु भक्षंतु, हे देवी तू मेरी पत्नी को खा जा, तो माँ हर बार उस पत्नी